एक एक्ट्रेस जिसे टार्जन गर्ल के नाम से जाना जाता था फिलहाल बॉलीवुड से गायब है। कहाँ है ये एक्ट्रेस और क्या कर रही है आजकल, बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो के जरिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आपको मिलती है बॉलीवुड की चटपटी खबरें सिर्फ एक या दो मिनट में। बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिन्हें टार्जन गर्ल के नाम से जाना जाता है उनका नाम है किमी काटकर। किमी काटकर कई बेहतरीन फिल्मों में अपने ग्लैमरस अवतार और अभिनय के लिए लोगों के दिलों पर राज करती थी। वहीं किमी काटकर ने जुम्मा चुम्मा गाने से लोगों के बीच एक खास पहचान बनाई। ये गाना अमिताभ बच्चन के साथ फिल्माया गया था जो सुपरहिट साबित हुआ। इस गाने ने लोगों के बीच सनसनी मचा दी थी। किमी को अपने करियर की फिल्म हमला से सबसे ज्यादा पहचान मिली। अपने करियर के शुरुआत में किमी को फिल्म हमला से नोटिस किया गया। किमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। किमी की पहली फिल्म पत्थर दिल थी जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था। किमी ने उस फिल्म के बाद कई फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्में आईं लेकिन वो उन्हें कोई खास पहचान नहीं दिलवा पाईं। एडवेंचर ऑफ टार्जन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो किमी काटकर की असली पहचान बनी। इस फिल्म के बाद उन्हें टार्जन गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि असली पहचान उन्हें साल 1991 में आई फिल्म हम से मिली थी। इस फिल्म में उनके और अमिताभ बच्चन के ऊपर पिक्चराइज्ड गाना जुम्मा चुम्मा दे दे काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद किमी ने साल 1992 में शादी करके फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किमी ने साल 1992 में फोटोग्राफर और फिल्म प्रोड्यूसर शांतनु शौरी से शादी की। किमी को आखिरी बार साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म जुल्म की हुकूमत में देखा गया था और यही किमी के करियर की आखिरी फिल्म थी। किमी के साथ इस फिल्म में गोविंदा और धर्मेंद्र लीड रोल में थे। इसके बाद किमी अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतनी बिजी हो गईं कि उन्होंने वापस बॉलीवुड का रुख कभी किया ही नहीं। आज किमी एक बेटे की माँ हैं, जिसका नाम सिद्धांत है और इन दिनों किमी गोवा में अपने परिवार के साथ रहती हैं। बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।